अरे बाप रे, ये देखिए किसी की नैनो फंसी है यहाँ पे। अब इसको ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसका डब्बा बन गया है। कॉटेज घर होते शायद ये भी, जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। आप तो गाइस कैसे हैं आप लोग? मैं विकी आचार्य आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं विकी आचार्य ब्लॉग्स। दोस्तों आज मेरा चक्कर लग गया है गुन्नू के स्कूल तक। यहाँ पर कुछ काम था छोटा सा, हालांकि स्कूल तो बंद है, गुन्नू को तो छुट्टी है, लेकिन मुझे काम आ पड़ा गुन्नू के जो प्रिंसिपल हैं उनके साथ। बस जस्ट अभी मैं काम ख़त्म करके नीचे उतर रहा हूँ और अपनी बाइक की तरफ जा रहा हूँ। बाइक मेरी वो लगी दिख रही है यहाँ से, ये वाली जी। हाँ, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अब क्या करें। अल्लू ग्राउंड जाके आए, देखते हैं वहाँ पर रोड खुला या नहीं खुला। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों आलू ग्राउंड का हाल कुछ इस तरह से है कि गाड़ियाँ तो निकल रही है आगे को, लेकिन रास्ते का बुरा हाल है दोस्तों। बहुत ख़तरनाक रास्ता है, ख़राब रास्ता है। मैं तो आगे जाने वाला नहीं हूँ, बस यहीं देखने आया था मैं कि गाड़ियाँ जा रही हैं या नहीं जा रही है। और गाड़ियाँ जा रही हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ तक जा रही है आगे, क्योंकि इससे आगे भी कई जगह सड़कें टूटी हैं। तो मुझे लगता है जो आगे आस पास जो गाँव हैं ऊपर नीचे, सिर्फ वही लोग जा रहे हैं, जो दूर जाने वाले नहीं जा रहे हैं वो जा रहे हैं आपके लेफ्ट बैंक होके बाया नगर होके। अरे बाप रे, ये देखिए किसी की नैनो फंसी है यहाँ पे। अब इसको ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसका डब्बा बन गया है। और दोस्तों बुरे हाल हैं इस गाड़ी के। आलू ग्राउंड तो मैंने क्रॉस कर दिया है दोस्तों, आ गया मैं उल्ली साइड को, और रास्ता काफ़ी ख़तरनाक था सच में, बहुत ख़तरनाक रास्ता है ये। क्यों मैं आ गया, मैं तो ये सोच रहा हूँ यहाँ आया क्यों मैं लेकिन इस तरफ मैं तबाही देखने आया हूँ सच बात। और यहाँ पर कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। अब आगे भी पता नहीं कहाँ तक सड़क जा रही है, खुली है, तो मैं आगे भी जाकर देखता हूँ कि आगे कैसा हाल है इससे आगे। पहले नहीं आया था मैं, और वहाँ पर मुझे कुछ नज़र आ रहा है, क्या है पता नहीं, बीच नदी में कुछ है, देखते हैं चलिए आगे जाके। ओह, यहाँ तो बड़ी गाड़ियाँ भी दिख रही है मुझे आती हुई। यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हुई है ऐसा दिखने में आ रहा है। और क्यों चढ़ रही है ऊपर? मैं शायद, मुझे लगता है रोड वगैरह का काम चला हुआ था कुछ। इसमें तो नाम भी लिख रखा है, देखिए, भूपाल ठाकुर सन ऑफ रामकृष्ण विलेज खोपरी भलियानी। भलियानी का ऑटो था दोस्तों ये। ये मुझे लगता है छोटा हाथी था जी, ऑटो था बड़ा वाला, उसके ये हाल हो गए हैं। और बाकी यहाँ पर एक दो कुछ फंसा हुआ, देखिए वो भी गाड़ी थी, और वहाँ पर ये समझ से बाहर है क्या चीज़ है ये या तो गाड़ी है ये जी, लग तो रही गाड़ी है, या तो फिर किसी का घर मकान हो सकता है। और दोस्तों एक गाड़ी वहाँ भी दिख रही है हम लोगों को, देखिए ये वहाँ पर भी है। और ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं सारी की सारी, ट्रक बसें और बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ हैं वही दिख रही है मुझे यहाँ पे। सही भी है, बाकी छोटी, अगर कोई छोटी गाड़ी ऐसी बह जाए तो उसका तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके बाद आता है दोस्तों कलाथ एरिया, शुरू होता है यहाँ से, और वहाँ एक पुल देख रहे होंगे आप, इस तरफ का हिस्सा पूरा बह गया है। और यहाँ पर मुझे लगता है यहीं का एक वीडियो सामने आया था, हमारे पास एक बड़ा सा घर था जो बह गया था, इतना बड़ा कॉटेज टाइप का था कुछ जो ढह गया था। और सड़क सिर्फ यहीं तक है जहाँ तक हम खड़े हैं, यहाँ पे यहीं तक है, उससे आगे कोई सड़क नहीं है। यहाँ पर मिट्टी भर के सड़क बनाई गई है और इसको क्रॉस किया जा रहा है इस रास्ते को, इसीलिए यहाँ से गाड़ियाँ वगैरह अभी भी बंद है।
और अब इन पुलों का पता नहीं क्या होगा, कैसे ठीक होंगे ये। और यहाँ से अगर हम बात करेंगे दूसरे नालों की, ये तो हमारी व्यास है, लेकिन वो दूसरी तरफ से आती है दोस्तों। मुझे लगता है जगतसुख वाला जो नाला है वो आएगा यहाँ से, और ये भी बहुत ही ख़तरनाक तांडव मचाया था इसने भी उस दिन। और वहाँ देखिए कुछ एक कॉटेज घर होते शायद ये भी, जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं अब तो। बस दोस्तों इसके बाद आगे नहीं जाना चाहूँगा मैं क्योंकि बहुत हो गया, इतने भयानक सीन देखने को मिल रहे हैं कि दिल दहल जाता है। इतने प्रकृति इतनी खतरनाक भी हो सकती है, सोच भी नहीं सकते दोस्तों। नदी के साथ ही देखिए बड़े बड़े होटल बने हैं यहाँ पे, इस तरफ का भी बड़े बड़े होटल हैं, द रॉयल ग्रैंड, इसका भी एक हिस्सा ढह गया है ये देखिए। अब इतनी बड़ी बड़ी, इतने बड़े बड़े मकान, सड़कें जा रही इतने, तो ये तो जिसकी नींव भी हिल चुकी है तो इसको तो काफ़ी खतरा है गाइस। इन कुछ दिनों में जितने भी मैंने चक्कर लगाए हैं दोस्तों, ख़ास तौर पर इस रोड के जो मनाली से पतलीकुल जाता है, इतने ख़तरनाक, इतने बुरे हाल हो गए हैं, इतनी दयनीय स्थिति हो गई है। अब बनने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इस रोड को, लेकिन दोस्तों जिस तरह के निशान ये फ्लड, ये बाढ़ छोड़ गई है, ये भूल नहीं सकते हैं, आने वाले कई साल तो नहीं भूल सकते। लेकिन इंसान की फितरत कुछ ऐसी है कि बहुत जल्द ये भूल जाता है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है और किस वजह से हुआ है। लोग अपने कामों में बिजी हो जाते हैं और फिर से वही गलतियां दोहराते हैं जो उन्होंने पहले दोहराई है। का खामियाजा हम लोगों को टाइम टू टाइम भुगतना पड़ता है, लेकिन हम फिर भी नहीं सुधरते हैं। ऊपर देखिए मौसम कितना, गाइस धुंध आ रही है और मुझे लगता है बारिश आने वाली है शाम तक फिर से, रोज़ की तरह आजकल वैसा ही हो रहा है। रात को रोज़ लगभग बारिश होती जा रही है, रोज़ ही हो रही है। ये भी पता नहीं किस बंदे का ट्रक होता जिसकी बुरी हालत हो गई है, एक चुंबर निकल गया है इसका तो कुछ भी नहीं रहा। बस मैं इन्हीं निशानों की बात कर रहा हूँ। अब कई साल तक ये जो टूटे हुए वाहन हैं, बड़े बड़े ट्रक हैं, ये हम लोगों को दिखते रहेंगे और बाढ़ की याद दिलाते रहेंगे दोस्तों। बाकी देखिए इंसानी फितरत, मैं बात कर रहा था आपसे। वहाँ देखिए जेसीबी लगी हुई है और ये वॉल्वो बस स्टैंड है यहाँ पर, और इसकी सेफ्टी के लिए चार दीवारी लगाई जा रही है कॉन्क्रीट की। लेकिन दोस्तों इंसान फिर से भूल जाता है कि नेचर के सामने ये बड़ी बड़ी दीवारें कोई काम नहीं आती। जब नेचर ने अपना रूप दिखाना है तो ये तिनके की तरह उड़ जाते हैं, बिल्कुल खिलौनों की तरह उड़ जाते हैं। लेकिन चलिए इंसान ट्राई करता रहता है हमेशा। देखिए सन्नाटा, वरना ये वॉल्वो स्टैंड होता था यहाँ पे, चौक होता था और इतना यहाँ पर ट्रैफिक लगा होता था, क्या बताएं। मैं पहुंच गया हूँ घर में और अपनी छत पे हूँ बैठा हुआ अभी, और नज़ारे देख रहा हूँ इधर उधर। और ये देखिए मनाली वैली, वशिष्ठ गांव, और वो रही व्यास, अभी कितनी छोटी सी दिख रही है ये। और बाकी दोस्तों मौसम फिर से वैसा ही बना हुआ है बारिश वाला, और रात को ये फिर से बरसेगा, पक्का बरसेगा, क्योंकि रोज़ ही बरस रहा है आजकल।